उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। शाइस्ता परवीन के खिलाफ पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद विदेश नहीं भाग सकेगी अब शाइस्ता परवीन। शूटर साबिर और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बंदरगाहों को अलर्ट भेज दिया गया है। हवाई और जल मार्ग से विदेश नहीं भाग पाएंगे शूटर और शाइस्ता परवीन, लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया। और इसी पर प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। मोइन, ये अहम जानकारी मिल रही है शाइस्ता परवीन और अन्य शूटर्स को लेकर के कि अब विदेश भागने की अगर फिराक में ये होंगे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है सभी के खिलाफ। मोइन जी बिल्कुल, देखिए उमेश पास शूट आउट केस का आज 80 दिन हो गया है। 80 दिन बाद भी पुलिस अभी तक ना तो 5-5 लाख रुपए की इनामी 3 शूटरों को गिरफ्तार कर पाई है और ना ही माफिया आतिक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पकड़ पाई है। परेशान पुलिस जो कर्मी है, जो जांच एजेंसियों के लोग हैं, उन्होंने अब शाइस्ता परवीन और 2 अन्य शूटरों के खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी किया है। जो देश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो बंदरगाह है, उनको अलर्ट कर दिया गया है। इनका हुलिया भेजा गया है, इनकी तस्वीरें भेजी गई हैं और साथ ही साथ ये अपेक्षा की गई है कि अगर ये लोग कहीं पर विदेश भागने की कोशिश करते हैं, कहीं आने जाने की कोशिश करते हैं, एयरपोर्ट पर या बंदरगाह पे आते हैं, तो इनको वहीं पर डिटेन कर लिया जाए और डिटेन करने के बाद प्रयागराज पुलिस को खबर की जाए ताकि इनकी गिरफ्तारी की जा सके। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन और जो 2 अन्य शूटर्स हैं, उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब वो विदेश नहीं भाग सकेंगे और उनकी गिरफ्तारी के रास्ते जो है वो पुलिस के लिए अब आसान हो जाएंगे। हालांकि 80 दिनों के बाद भी गिरफ्तारी ना हो पाना निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जो शूटर साबिर और गुड्डू मुस्लिम है ये तो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो है वो, तो ये तो है। लेकिन शाइस्ता परवीन को माना यह जाता है कि उमेश पास शूट आउट केस से पहले जो है वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं मानी जाती थी। ऐसे में उसकी भी गिरफ्तारी ना हो पाना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। बहरहाल जो पुलिस है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो लगातार कवायद इस बात की कर रही हैं कि तमाम जो हथकंडे हो सकते हैं वो अपनाए जाए ताकि इन जो अपराधी हैं इनको गिरफ्तार किया जा सके, इनको पकड़ा जा सके और जो उमेश पास शूट आउट केस है उसका वर्कआउट किया जा सके। ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शाइस्ता परवीन जो कि लगातार लंबे समय से फरार चल रही है, 50,000 का इनाम उस पर घोषित है और अब कहीं पर भी भागने की कोशिश करेगी तो नहीं भाग सकती है शाइस्ता परवीन। लुकआउट नोटिस शाइस्ता परवीन के खिलाफ जारी हो चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है शाहजहांपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है 15 छात्राओं के यौन शोषण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। स्कूल का कंप्यूटर अनुदेशक अली गिरफ्तार हुआ है। जूनियर हाई स्कूल राई खुर्द तिलहर का यह मामला, आरोपी स्कूल का प्रिंसिपल, महिला टीचर यहां निलंबित कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले में आरोपी जो है स्कूल का प्रिंसिपल ही है और इसी के साथ महिला टीचर को भी निलंबित किया गया है। स्कूल का कंप्यूटर निदेशक यहां पर निलंबित किया गया, स्कूल का आरोपी प्रिंसिपल, महिला टीचर भी निलंबित यहां पर कर दी गई है। 15 छात्राओं के यौन शोषण का आरोप इन पर लगा है। शाहजहांपुर से यह इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एक सरकारी स्कूल में 15 छात्राओं की तरफ से यह शिकायत दी गई थी यौन शोषण को लेकर और इसी के बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। स्कूल का कंप्यूटर अनुदेशक मोहम्मद अली गिरफ्तार हो चुका है इस पूरे मामले में। तो आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो गई है और साथ ही महिला टीचर को सस्पेंड यहां पर कर दिया गया है। जूनियर हाई स्कूल रायखुर्द तिलहर का यह पूरा मामला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।